अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चावल के आटे की पूरी, एकदम सॉफ्ट और कुरकुरी सी है ये। इस मेथड से आप बनाएंगे तो ज़रूर अच्छी लगेगी, और ये पूरी आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, वेज नॉन वेज दोनों। चलिए रेसिपी स्टार्ट करेंगे। हमने कढ़ाई लिया है, हमने कढ़ाई के अंदर 1 कप पानी डाला है मैंने। पानी को हम उबलने देंगे। देखिए पानी उबल गया है, इसमें हम 1.5 कप चावल का आटा डालेंगे। ये चावल का आटा हम अच्छे से डाल लेंगे उसके अंदर, और उसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमारा हाई फ्लेम है अभी, और 2 मिनट के बाद हम इसे लो फ्लेम पे रख देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी बचा नहीं रहना चाहिए। चावल का आटा हर तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा और पानी डाला है इसके अंदर। वार्म वाटर ही डालिएगा, ठंडा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। ये अच्छे से मिक्सिंग हो गया है, अब इसे हम एक परात में निकाल लेंगे जिसमें हम आटा अच्छे से सान सके या गूंद सके, और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हम इतना ठंडा होने देंगे इसे कि हमारा हाथ उसमें सह सके, हमारा हाथ गर्म चीज़ को सह सके। तो देखिए चम्मच की मदद से मैंने चारों तरफ से फैला लिया है। अब धीरे धीरे करके मैं इसे इकट्ठा कर रही हूँ आटे को। अब अगर इस तरीके से बनाएंगे ना, आपका जो क्रैक आता है रोटी के साइड में, चावल की आटे हो या बाजरे का हो, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो। एकदम सॉफ्ट और नरम सी पूरी रोटी सब बन जाएगी। देखिए कितने अच्छे से ये आटा सन गया है। 5-10 मिनट इसकी अच्छे से कुटाई करके एकदम सॉफ्ट सा हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन बनाइए ताकि और नई नई यम्मी सी रेसिपी मैं आपको भेज सकूँ या आप देख सके। तो इस तरीके से अब हम सानते रहेंगे आटे को अच्छे से, और हमारा आटा सन गया है। चलिए हम फटाफट से पूरी बनाते हैं। कोई रेस्ट वगैरह इसमें नहीं देना है। 5 मिनट 10 मिनट अगर जब आप तक रखोगे आटा, बेलन पिटना बेलन वगैरह निकालोगे जब तक वो रेस्ट हो जाता है। फिर फटाफट से हम इसकी एक छोटी सी लोई बना लेंगे, उसमें हम चावल के आटे के अंदर ये डिप करेंगे। और फटाक से देखिए मैं इसे रोल भी कर रही हूँ तो बिल्कुल भी क्रैक नहीं है साइड में, इतना सॉफ्ट बन जाता है ये। और हमारी पूरी तैयार है। ये थोड़ी सी मोटी पूरी बनती है, बिल्कुल भी पतली नहीं बनती है। थोड़ी मोटी रहती है तो ये बहुत कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट रहती है, ऊपर से कुरकुरी रहती है। इस तरीके से हम एक और बना लेंगे, और हम एक साइड रख दिए तेल गर्म होने के लिए। तेल भी हमारा गर्म हो रहा है, और फटाफट से हम रोटी वापस से एक पूरी और बेल लेंगे वापस से। देखिए बिल्कुल भी ना चिटकता है ना कुछ होता है, एकदम आराम से ये बन जाती है। थोड़ी बड़ी बनाना हो बड़ी बनाओ, छोटी बनाना है छोटी बनाओ, आपके हिसाब से रहते। आप उसका साइज़ क्या रखते हो? मेरे बेटे को थोड़ी बड़ी चाहिए थी तो मैंने थोड़ी बड़ी बना दी थी वाली पूरी। ये देखिए इसका थिकनेस देखिए कितना अच्छा सा है। तेल हमारा गर्म हो गया है, हम पूरी डालेंगे इसके अंदर आराम से, और चम्मच की मदद से उसे फुला लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी फूल गई है। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे आप हर एक चीज़ के साथ खा सकते हो, मतलब पूरी सब्जी के तरफ से भी। आप सब्ज़ी कोई भी बना रहे हो ग्रेवी वाले, उसके साथ खा लो आप। वेज नॉन वेज बना रहे हो, सूखा चिकन हो सूखा मटन हो, उसके साथ खा लो आप, बहुत अच्छी लगती है। और सबसे ज़्यादा ये सेवई होती है जो किमामी सेवई, उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अस्सलाम वालेकुम।